अरविंद केजरीवाल की नई पार्टी बिल्कुल अपनी पार्टी के नाम की ही तरह आम आदमी से जुड़ने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में 4 साल की लड़की के साथ बलात्कार के मामले में जो दिल्ली पुलिस केस दर्ज करने को तैयार नहीं हो रही थी, अरविंद केजरीवाल का ही दबाव था, उनके लोगों का दबाव था कि पुलिस को मामला दर्ज करना पड़ा। नई नई राजनीतिक पार्टी बनी आम आदमी पार्टी ने आम आदमी के लिए आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके समर्थक दिल्ली के नरेला थाने पहुंचे बलात्कार के एक आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर। केजरीवाल के मुताबिक थाने के एसएचओ और पुलिस ने शुरू में उनकी मांग मानना तो दूर, उनके साथ जमकर बदसलूकी की। यहाँ पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको लाठियों से डंडे बरसाए गए, अपनी बेल्ट निकाल के बेल्ट से पीटा गया और कुछ लड़कियां जो प्रोटेस्ट कर रही थी उनके कपड़े फाड़ दिए गए, ऐसा दिल्ली पुलिस ने किया। एक बलात्कारी को पकड़ गए, 5 पुलिस वाले पूरी दिल्ली पुलिस के पास नहीं है, पूरे नरेला थाना में 5 पुलिस वाले नहीं है, पर हम इंसाफ मांग रहे हैं बच्ची के लिए, हमारे लिए पूरी दिल्ली की पुलिस है कि इंसाफ देंगे हमें। मामला 25 नवंबर का है। इलाके के एक बुजुर्ग पर आरोप है कि उसने 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, लेकिन पुलिस ने लापरवाही दिखाते हुए शुरू में सिर्फ बलात्कार की कोशिश का मामला ही दर्ज किया। फिलहाल आरोपी फरार है। हालांकि आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन का असर हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया। साथ ही उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद 3 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी ने अपनी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखा है और दिल्ली में एक मासूम को न्याय दिलाने की उनकी कोशिश कम से कम इस मामले में नाम के साथ न्याय करती जरूर दिख रही है। आज तक ब्यूरो।